मेरा शादी हुआ है, अगर एक साल बाद शादी हुआ बच्चा होगा 25 साल तक, तो मेरा बच्चा तिपरा मोटा का प्रेसिडेंट का पोस्ट लिए फाइट नहीं करेगा ना, तो 25 साल तो आपका है, चलाओ ना, ये पार्टी आपका है। लेकिन यूथ का इस्तेमाल कौन करता है? लीडर्स खुद का, यूथ की लीडर्स को इस्तेमाल करा। एक टाइम अनिमेश यूथ लीडर था, राजेश्वर यूथ लीडर था, विजय बाबू ट्यूजे शुरू हुआ, विजय रामपाल हिमसेल्फ वाज़ द यूथ लीडर, दिनेश वर्मा टीएसएस था, 1993 में आई थी दशरथ देव के खिलाफ फाइट किया रामचंद्र गांधी, यूथ था वो है त्रिपुरा सोसाइटी। यू नो द प्रॉब्लम विद पॉलिटिक्स क्या है? सब लोग पूछता है ये लेफ्ट है और ये राइट भी नहीं है, मतलब बीजेपी, कोई नहीं पूछता ये राइट है या ये रॉन्ग है। सीपीएम में भी बहुत अच्छा चीज है जो अच्छा है, और राइट विंग में भी, कैपिटलिस्ट में भी बहुत चीज है जो अच्छा है। आप हमेशा एक का साइड क्यों लेंगे? दोनों तरफ से अच्छा है। मेरा गुड पॉइंट्स इन सोशलिज्म, मेरा गुड थिंग्स इन कैपिटलिज्म, बट बेस्ट दो तीन बात करना है। ये जो आज का YTF का प्रोग्राम था, ये मीटिंग बिल्डिंग का प्रोग्राम, ये प्रोग्राम यूथ का प्रोग्राम था, और मैं थोड़ा सा आपको क्लास देना चाहता था रिगार्डिंग आइडियोलॉजी ऑफ टीपरा साहब, जो मुबारक को लगता है कि टीपरा साहब को यूथ को सेटलर को क्या करना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा क्लास देना चाहता था, मैं आप लोगों को समझाना चाहता था कि यूथ का क्या रोल है और आप यूथ करप्शन के खिलाफ कैसा फाइट कर सकते हैं, पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर, सोफा में, सोफा के बाहर। ये मेरा उद्देश्य था। लेकिन यहाँ आकर मैंने देखा इतना मीडिया है, यहाँ पे कैमरा है, अभी राजेश के को लाइव कर रहा है, तो मैं YTF को एक चीज बोलना चाहता हूं। आप लोग जब दुबारा से बात करना चाहता है, मीटिंग भी करना चाहता है, आप लोग इतना बड़ा प्रोग्राम किया है, तो ये तो क्लासरूम तो ऐसा ओपनली नहीं हो सकता। मैं अपना दिल का बात आपसे करना चाहता हूं। अभी यहां में मीडिया है, सब मीडिया निकाल के लगा देगा, कल बीजेपी अटैक करेंगे, सीपीएम अटैक करेंगे, तो ऑर्गेनाइजर्स जो यहां है, आप लोगों को भी समझना चाहिए, मुबारा पब्लिक से प्यार करता है, मुबारा नेता से प्यार नहीं करता है, मुबारा आपसे बात करना चाहता है। लेकिन आपका प्रोग्राम में अगर हर टाइम ऐसे करके ये पूरा स्पेक्टिकल बन जाए, तमाशा बन जाए, तो हम आपसे कैसा बात करेंगे? आपको हमसे सवाल पूछना है कि आपको किसी को क्वेश्चन करना है मुबारक से, बात करना है मुबारक से, तो कैसे करेगा? क्योंकि अगर आपका अंदर कोई भी सवाल है, यहां पे मीडिया पकड़ ले, यूथ का प्रोग्राम है, नहीं ठीक है, आप लोग अभी क्यों कर रहे हैं बोलने के बाद? यूथ का प्रोग्राम है, लेकिन इतने सीनियर हैं यहाँ पे, सीनियर को अलग से सीनियर के प्रोग्राम में बुलाते, इनको सम्मान करते। आज तो सिर्फ यूथ का सर बात करने का बात है, लेकिन आपने यूथ में ही यूथ को पीछे रख दिया है। तो प्रॉब्लम क्या है? मैं अभी भी बोल रहा हूं, पूरा टीपरा साहब अभी भी बोल रहा हूं, प्रॉब्लम हम लोगों का लीडरशिप में है, हम लोगों का समाज में नहीं है। टीपरा साहब दिल से ईमानदार है, अच्छा है, ये लीडरशिप का प्रॉब्लम है कि सबको सबसे पहले आना है, सबको पीछे रखो, हमको आगे आना है।
और ये जब तक थिंकिंग, ये जो टीम वर्क है ना, जब तक हम लोग एक टीम जैसा नहीं सोचेगा कि हम लोग उठे भी तो एक साथ उठे, मरे भी तो एक साथ मरे, फाइट भी करें तो एक साथ करें, तभी तीव्रता को कुछ मिलेगा। जब तक ये सोच आप लोग यूथ लीडर्स में भी अगर आप लोगों ने माथा में नहीं लगाया ना, तो आप भी वही गलती करेगा जो इससे पहले किसी और लीडर ने। सैक्रिफाइस का मतलब, बलिदान का मतलब सिर्फ भाषण देने से नहीं है। आप लोग अंदर देखो कि आज अगर कोई यहां में आके बैठे तो सबसे पहले चेयर देने के लिए कौन खड़ा होकर अपना चेयर देने के लिए तैयार है? 800 साल से एक बार भी जमीन में नहीं गिरा है। ये जो सेल है आज तक हमारा हाथ से नहीं गिरा है। हम आपको बोल रहे हैं, हम सबको आदर करता है, हम राहुल गांधी को आदर करता है, नरेंद्र मोदी को आदर करता है, सीताराम येचुरी को आदर करता है, हमारा किसी के साथ प्रॉब्लम नहीं है। हमको इस बार कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, ग्रेटर पीपरा लैंड, हमारा सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस के लिए हमको चाहिए। और इस बार किशन आपसे बोला खून देने के लिए तैयार है ना, क्यों खून देता है यार? 70 साल से खून देते रहा, दांगा में खून दिया, चुराईबारी में जो मारता है तब खून देता है, माधवपारी में खून दिया, विश्वजीत चट्टोपाध्याय ने खून दिया, मंत्रीलाल कैसे ने खून दिया, बी विक्रम चौहान ने खून दिया। खून देने से कुछ नहीं होगा। हंसा को, ईगो को छोड़ो और थोड़ा सा दिमाग को ठंडा रखो, दिमाग को ठंडा रखो। और यहां में जो भी एडीसी में जीत के आया है, यहां सब जोनल चैलेंज है, जोनल चैलेंज है, प्रेमलाल मौसम आप भी है, आप लोग भी तीसरा मोर्चा का मेंबर है, वाईटीएफ प्रेसिडेंट रुनिल, आप वाईटीएफ प्रेसिडेंट बाद में बना, आप एनडीसी बाद में बना, आप भुभागा के संग 15 साल तक काम किया, आपने कोरोना के टाइम आपने हमको हेल्प किया, हमने तीव्रसा को बाहर बाहर से बैंगलोर, हैदराबाद, गुवाहाटी, चेन्नई, दिल्ली, शिलोंग सब जगह से लेके आकर हमने मदद किया। वो टाइम तो नहीं सोचा था ना कि मदद करने से हम लोग एनडीसी बनेगा, लीडर बनेगा, नहीं, तीव्रसा था इसीलिए हेल्प किया। हरी नेता बनने के लिए हेल्प किया था कि दिल से हेल्प किया था, हमको बताओ। तो जब दिल से उस समय हेल्प किया तो आज है आपका दिल कहां है? आज की दिल कहां है आपका? क्या थोड़ा सा पावर आने से हम लोग इतना बदल जाए? आज आप अपने ही राजा को देख लो, मुकाबला को देख लो, मेरे पास ना कॉन्वॉय है ना मैं एक ऑफिशियल गाड़ी इस्तेमाल करता हूं, आप एयरपोर्ट में देखो कोई प्राइवेट सेक्रेटरी नहीं है। हम बदला है, हम बदला है क्या? जब आपका राजा ही बदला है तो आप क्यों बदल रहे? जब आपका राजा ही जैसा पहले था आज भी वैसे ही है तो आपको क्या हो गया है कि आज आप बदल रहे? और हम आपको बोल रहे हैं, जिस दिन हमको ग्रेटर पीपरा लैंड मिला, अरे आज हम लोग छोटा छोटा चीज के लिए फाइट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट जॉब, थोड़ा सा रेगा बाटा। अगर आपको अपना खुद का राज्य मिल जाता तो आप जिसके लिए फाइट कर रहे हैं उससे आपको 1000 टाइम ज्यादा पैसा मिलेगा, अधिकार मिलेगा, राइट्स मिलेगा, शिक्षा मिलेगा, हॉस्पिटल मिलेगा, नौकरी मिलेगा, आपका जिंदगी ज्यादा अच्छा होगा। और सिर्फ 3 महीने बाकी,
कि नेक्स्ट टाइम मैं अंबासडर कब आऊ, नेक्स्ट टाइम मैं आऊ। मैंने नहीं बोला कि सीपीएम खराब है, बीजेपी खराब है, कांग्रेस खराब है, मैंने कुछ बोला उनके खिलाफ। हमने सिर्फ बोला कि पिपरासा के अंदर जो कमजोरी है उसको ठीक करने का कोशिश करो, क्योंकि जब तक हम लोग अपना अंदर नहीं देखेगा कि हम लोग का प्रॉब्लम कहां है, तब तक हम लोग विधि नहीं दे सकता है पिपरासा। अगर आपके पास किसी के पास यहां कोई क्वेश्चन है तो मैं दो तीन क्वेश्चन आंसर करने के लिए तैयार हूं। अगर आपके अंदर कोई भी सवाल है वो बाबा क्या करना चाहिए तो आज माइक यहां पर है, आप हमसे सवाल कर सकता है, मुबादरा आपका सवाल डायरेक्टली आंसर कर देंगे। यूथ हो, गुरुई हो, सेकला हो, सिटी हो, कोई भी पूछ। I will start over. It's a very long time. I want to ask you some two questions which is running over my head. Since I have been following only three books now, Saurabh Devaram. Saurabh Devaram. What if after we get elected to government, what would be our ideal? Would it be capitalistic or would it be socialistic? Because I've seen lots of our regional parties, they have never आपको अच्छा सा शिक्षा मिले। मैं चाहता हूँ कि आपके घर में बिजली रहे 24 घंटा, रास्ता ठीक रहे, हॉस्पिटल रहे। लेकिन अगर आप सिर्फ पॉलिटिक्स ही सोचते रहे तो सिर्फ एमएलए मंत्री और एमपीसी सोचते रहेंगे बस। यही युद्ध ने तीपरा मोथा को 2021 में पावर में लाया। आप जानते हैं कैसे युद्ध ने पावर में लाया तीपरा मोथा को? कोरोना के टाइम काम करते, या फिर नहीं आपने काम कोरोना के टाइम? यही में होली, प्रेस मीट, उदय, रुनेश, राजेश, आपको एनडीसी नहीं था, आपको ईएम नहीं था, सुहेल को ईएम नहीं था, ये अपना परितोष, आप लोग तो लीडर नहीं था। उस टाइम आपने काम किया, इसके लिए आज आपको फल मिला। ठीक बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, अभी क्या हो गया? अभी क्या हो गया? अभी क्या बोलता, पिक्चर अभी बाकी है। आपको सिर्फ आपने कोरोना में काम किया, लेकिन इससे ये मतलब नहीं था, अभी आपको ग्रेटर पीपरा लैंड के लिए फाइट करना पड़ेगा। तीन महीना बाकी है इलेक्शन के लिए, तीन महीना बाकी है। हम लोग जीतेगा? नहीं जीतेगा। नहीं, मैं बोल रहा हूं ये बीजेपी रुपया फेंक कर हम लोगों को तोड़ेगा। तब आप लोग क्या बोलेगा? पिपरा मोथा भी दूसरा पार्टी जैसा है, पैसा लेके लीडर लोग चला गया, मुबादरा अकेला है। अब आप हमको बताओ, अगर बीजेपी को
किसी को खरीदना होता तो वो क्यों जाके एक एमडीसी के पास जाए, एक ईएल के पास जाए, एक सीनियर ईएल के पास जाए, एक जूनियर एमडीसी के पास जाए, बुबागरा का पास आके खरीद तो बुबागरा को खरीद सका? तो आज हम आपको बताओ, अगर इनके पास पैसा का पावर है तो हम लोग के पास क्या पावर है? वो कोई भी रंग पावर से ज्यादा है। आज हम यहां में भाषण नहीं दे रहा आपको, मैं आपको भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं आपको सच बोल रहा हूं, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूं। जब भी आप बुबागरा का भाषण सुनेगा ना, आपको लगेगा कि दिल से बात करते हैं, यहां में कोई कागज नहीं है, कोई कागज नहीं है, कोई यहां में पढ़ के हम नहीं बात कर रहे, हम दिल से बात करते हैं। मेरे ऊपर इतना प्रेशर है, लॉट ऑफ प्रेशर, अब आप हमको बताओ कि हमको उस दिन किसी ने बोला, हमको बीजेपी का लीडर ने बोला है ये बात, अरे राजा की कोटा से ताका दिने ढाला एरिया से सबाई जनजाति हमारे संगे ऐसे जाते, ये वो आपके बारे ऐसा सोचता है। अब यूथ को हम एक सवाल पूछना चाहते हैं, आप 3 महीना अपने आप को नहीं दे सकता है क्या? 3 महीना रुक नहीं सकता? 3 महीना नहीं रुक सकता अपने आप को आप? अगर आप 3 महीना अपने आप को रोक नहीं सकता है तो त्रिपुरा का कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर 3 महीना हंसा रखा आपने और 3 महीना हमने समझ लिया और मैं आपको बोल रहा हूं, त्रिपुरा में हिंदुस्तान में इतना रुपया का प्रिंटिंग नहीं हुआ है जो बुबागरा को करे सके, लेकिन इस बार आपका सपोर्ट चाहिए और इस बार मैं सब वीडियोस को बोल रहा हूं यहां डिस्ट्रिक्ट से, आप ब्लॉक प्रेसिडेंट हो, यूथ प्रेसिडेंट हो, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो, कुछ भी हो, ईएम हो, एलडीसी हो, मैं आप सबको सीनियर लीडर में आप सबको यूथ पुरुष बदल को मैं सबको एक बात बोलना चाहता हूं, अगले 3 महीने तक हम लोग कोई लीडर नहीं है, हम लोग सबसे पहले त्रिपुरा सा है, ये फाइट त्रिपुरा सा का फाइट है और ये फाइट अगर त्रिपुरा सा बन के फाइट किया ना तो त्रिपुरा सा जीतेगा। अगर ये फाइट If we fight this battle as individuals, we shall lose. But if we shall fight as a community, then we have the protection of the God and we will win. And I will tell you one thing. You can either die as individuals, अकेला मर सकता है या एक परिवार बनके जीत सकता है, ये आपका चॉइस है, ये आपका चॉइस है। और मैं आपको बोलने वाला हूं, मेरे हाथ में तलवार देखा है,